सलमान खान ये पंगा इस फिल्म मेकर को पड़ गया भारी, दिया था ऐसा बयान। कई लोगों की ये ख्वाहिश है कि सलमान खान और शाहरुख खान किसी फिल्म में एक साथ काम करें। पिछले साल फिल्म जीरो में दोनों अभिनेताओं को एक साथ देखा गया, जो उनके फैंस के उत्साहित करने वाला था, लेकिन शाहरुख खान की ये फिल्म असफल साबित हुई थी। इसके बाद इन दिनों चर्चा है कि सलमान खान और शाहरुख खान को जल्द ही मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म में देखने वाले हैं। जब ये खबरें आई थी तो दोनों सितारों के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो इसके लिए बेहद खुश थे। बीते दिन फिल्म मेकर निखिल द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट के लिए शाहरुख और सलमान ने हाँ कर दी थी, लेकिन बाद में किसी कारण बात नहीं बन पाई। अब अभिनेता सलमान खान ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सलमान ने निखिल द्विवेदी के बयान पर तानस कसते हुए कहा कि उनको ऐसा लगता है कि निखिल द्विवेदी और संजय लीला भंसाली फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं, जिसे निखिल डायरेक्ट करेंगे और संजय लीला भंसाली फिल्म में एक्टिंग करेंगे। गौरतलब है कि निखिल ने एक बातचीत में ऐसा कहा था कि सलमान खान और शाहरुख खान भंसाली की अगली फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश बात नहीं बन पाई और ये प्रोजेक्ट रुक गया। हालांकि इससे अब सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस को बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि फैंस ने तो दोनों को एक साथ देखने का सपना देखना शुरू कर दिया था। खैर, सलमान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग। सलमान ने निखिल द्विवेदी के बयान पर तानस कसते हुए कहा कि उनको ऐसा लगता है कि निखिल द्विवेदी और संजय लीला भंसाली फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं, जिसे निखिल डायरेक्ट करेंगे और संजय लीला भंसाली फिल्म में एक्टिंग करेंगे। तीन को लेकर चर्चा में बने हुए है, जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने महज 5 दिन की कमाई में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में फिल्म की और भी शानदार कमाई की उम्मीद की जा रही है।